एकजुट हो हिंदू दिखाएं अपनी ताकत, पुणे उपचुनाव से पहले बीजेपी नेता की अपील। महाराष्ट्र के पुणे में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनावी प्रचार थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पुणे में कथित सांप्रदायिक टिप्पणी पर विवाद के बीच अब महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने हिंदू मतदाताओं से एकजुट होने और कस्बा विधानसभा क्षेत्र में ताकत दिखाने की अपील की है। उन्होंने एमवीए की रैली का एक वीडियो ट्वीट किया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। माधव भंडारी ने ट्वीट के जरिए हिंदुओं से एकजुट होकर ताकत दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कस्बा के हिंदू मतदाता एक हो, मतदान कर हिंदू एकता की ताकत दिखाएं। भंडारी ने एक वीडियो एम्बेस्ट किया है, उसमें कांग्रेस नेता संबोधित कर रहे हैं और वोटर से गुजारिश कर रहे हैं कि 26 तारीख को वोटिंग है, जितने भी लोग दुबई गए हों या सऊदी अरब में हों सबको हाजिर कीजिए और सबका वोट डलवाइए। हम लोग ये जंग उसी वक्त जीत सकते हैं और आरएसएस मोदी को हरा सकते हैं जब तक हम आगे बढ़कर वोट नहीं करेंगे। 99% नहीं बल्कि 100% वोटिंग करवानी है। भंडारी ने ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी को हराने के लिए दुबई और सऊदी अरब से मुस्लिम वोटरों को लाओ। इतना ही नहीं, जो वोटर आज जिंदा नहीं है उन्हें भी वोट डालने के लिए लाओ। चुनाव आयोग और प्रशासन को इन बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में आयोजित अल्पसंख्यक समुदाय की बैठक के दौरान सांप्रदायिक वोटों की अपील कर विवाद के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव भंडारी के ट्वीट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एनसीपी पहले ही इस मामले में शरद पवार को घेरने के लिए महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय और क्षेत्रीय चैनल के संपादक को नोटिस जारी कर चुकी है।